मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें शाह ने कहा था कि विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं, उसको आदिवासी दिवस के दिन पद से मुक्त किए थे, कद जीरो कर दिए थे, इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमित शाह ने कहा नगरनार नहीं बिकेगा, इसकी क्या गारंटी है, नगरनार बेचने वाली सूची है, ये सब चुनाव के लिए जुमलेबाजी है और भाजपा में जुमलेबाज लोग हैं, इनकी बातों पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास नहीं करती है। वो करोड़पति है, सही बात है, तो वो तो पेपर में छपा है, बीजेपी भी है उसमें भी है, मतलब उसके हाइट बढ़ा देंगे क्या, वो आदिवासी नेता है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही उसको पद से मुक्त किए थे, तो उसका तो उस दिन आदिवासी को आदिवासी दिवस के दिन ही आपने उसका कद तो जीरो कर दिया था, आप कैसे बढ़ाएंगे आप, तो ये इनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमित शाह जी बोले कि नगर नार नहीं बिकेगा, अब इस बात की क्या गारंटी है, कोई वहाँ से डिलिस्टिंग हुआ क्या, डिलिस्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी और उसमें कहा गया कि नगर नार वो बिकने वाली सूची में है, उसको हटाए नहीं, अब आगे अमित शाह जी बोलते हैं कि नगर नार नहीं बिकेगा, तो इन ये तो सब जुमलेबाज हैं। अमित शाह पहले बोले कि चुनाव के लिए जुमलेबाजी होती है, तो ये सब जुमलेबाजी हैं, भारतीय जनता पार्टी जितना कह रही है सब जुमलेबाजी है, इसके बातों पर छत्तीसगढ़ की जनता तो विश्वास करती नहीं, क्योंकि पहले देख चुके हैं। ये राजनाथ सिंह भी आज पाटन में रहेंगे, आप भी वहाँ सभा लेंगे, अब राजनाथ सिंह को भी पाटन में बुलाया गया, अब वो घूमे अच्छा है, उनका स्वागत है राजनाथ सिंह जी का, पाटन आए सभी लोग आए, अच्छी बात, वो धरती पावन धरती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है, उसे नमन करना चाहिए।